सोचता हूँ कि वीडियो ना ही बनाऊँ तो अच्छा है, पर कुछ कुछ कंपनी ऐसा ऐसा काम करती है कि उसके लिए मुझे लगता है वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे नथिंग फोन आ रहा है, नथिंग फोन 2, पहले तो आपको बहुत हाइप देखने को मिलेगा, टी शर्ट लॉन्च, ये लॉन्च, वो लॉन्च, बहुत सारा ये देखने को मिलेगा हाइप। थोड़ा सा 5 रुपये का अगर फ़ोन हो तो 50 रुपये का हाइप मचा देगा ये नथिंग। लॉस अल्टीमेट किसका होगा? कस्टमर का ही। नथिंग फोन 1 का किस्सा तो आपको सबको मालूम ही है कैसा रहा। लास्ट में जो फ़ोन अच्छी खासी कीमत में लॉन्च किया था उससे कम प्राइस में बेचना पड़ा था और बहुत सारा बग्स देखने को मिल रहा था। और नथिंग से एक्सपेक्टेड यही है कि नथिंग फोन 2 भी ऐसा ही होगा। तो नथिंग फोन 2 लेने से पहले आप लोग सोच समझ के लेना, कंपनी का बैकग्राउंड रिकॉर्ड कैसा है, ये सब कैसा है, पैसा आपका है, सोचना आपको ही पड़ेगा, तो सोच समझ के ही लीजिएगा। मेरा रिव्यू ऐसा ही है कि नथिंग फोन 2 लगता तो नहीं है अच्छा होगा, क्योंकि नथिंग फोन 2 का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ख़राब ही लगता है, क्योंकि हाइप बहुत मचा देती है कि ये है, वो है, वो है। अरे भाई, तुम अगर अच्छा फ़ोन बनाओगे तो कस्टमर ले ही लेगा, हाइप मचाने की कुछ ज़रूरत नहीं। जैसे रियलमी जब पहला आया था, हाइप बिल्कुल भी नहीं मचाया था, फ़ोन बहुत अच्छा लॉन्च किया था और बहुत बिका भी था। तो ऐसा ही कुछ काम करना पड़ेगा, जो नया कंपनी आ रहा है वो हाइप मचाने से काम नहीं होगा। अल्टीमेट एक मॉडल बिकेगा, 2 मॉडल बिकेगा, उसके बाद कंपनी डाउन ही हो जाएगा। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा फ़ोन बिकेगा, अगर तुम अच्छा काम नहीं करोगे तो तुम्हारा फ़ोन ऐसे ही चला जाएगा। बस आप लोगों के यही गुजारिश है कि नथिंग फोन 2 लेने से पहले बहुत सोचिएगा, उसके बाद लीजिएगा। नथिंग फोन कैसा चल रहा है कुछ दिन देखिएगा कि कैसा है फ़ोन, कैसा रिव्यू में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि नथिंग फोन 2 आप मत लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि लेने से पहले बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि कंपनी का बैकग्राउंड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बस मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था, आज के लिए इतना ही।